नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। न्यूज क्लिक में आप सबको मैं स्वागत कर रहा हूं। मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था और मेरा साथ आज भोपाल से जोड़ रहे हैं श्री आशीष रंजन, राजनीतिक विश्लेषक। इससे पहले उन्होंने दिल्ली विधानसभा में काम किया, अशोका विश्वविद्यालय में काम किया, CSDS यानी कि सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज में काम किया, और CPR सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में भी काम। आज वो पीपल प्रोब का स्थापन किया, सह स्थापक को फाउंडर, और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया, लंबा रिपोर्ट, मध्य प्रदेश में क्या होने वाले विधानसभा चुनाव में। नतीजा तो दिसंबर का 3 तारीख को आ रहा है, मगर हवा क्या है, कौन सा तरह, किस दिशा में हवा जा रहा है, माहौल क्या है। आशीष जी, 1 महीना ऊपर नीच किया मध्य प्रदेश में, अलग अलग इलाका में, अलग अलग जगह में घूम फिर के गया, जहां पे भारतीय जनता पार्टी शक्तिशाली है, जहां पे कांग्रेस शक्तिशाली है, और ऐसे भी विधानसभा क्षेत्र जहां पे जो कहते हैं स्विंग स्टेट्स, कहीं भी जा सकते हैं, या जहां पे कांटे का टक्कर था बारीकी। तो ये सारे जगह घूमने के बाद 2500 किलोमीटर सफर करने के बाद आज आशीष जी, धन्यवाद आप मेरे साथ आए हैं। तो मेरा पहला सवाल है, ये जो सत्ता विरोधी जो माहौल, सब लोग कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान मामा जी, वो अकेला मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जी, 18 साल मुख्यमंत्री रहा, ऐसे कोई ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं हुई, 3 बार शपथ ग्रहण किया मुख्यमंत्री पद में, 2005 से अभी तक चल रहे हैं उनके उनका जो टर्म अभी भी चल रहे हैं। तो लग रहा है सब बहुत लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी भी देख रहे हैं कि एक सत्ता विरोधी एक माहौल बना, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, शिवराज जी का नाम नहीं किया, मावा जी का नाम नहीं किया उन्होंने कहीं भी। तो मेरा पहला सवाल है कि हमने देखा इस बार भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से लोगों को उम्मीदवार बना दिया, नरेंद्र तोमर, उसके बेटे के बारे में बाद में बात करूंगा, प्रहलाद पटेल, फगन सिंह कुलास्ते, भारतीय जनता पार्टी का साधारण सचिव कैलाश विजयवर्गीय, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े हस्ती थे जैसे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। तो कोई उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदा मिलेगा या नुकसान? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस शो के लिए बुलाया, आमंत्रित किया। दूसरी चीज है, एक क्लैरिफिकेशन चाहिए आपके बातचीत में। सो ये जो रिपोर्ट है, ये पीपल्स पल्स और डेटा लोक का कंबाइंड प्रोजेक्ट है। डेटा लोक मैं को फाउंडर हूँ डेटा लोक में, और तो ये जो कंबाइंड प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश की राजनीति को समझने, और लोग जो वोट करते हैं वो किस मुद्दे पे करते हैं, क्या वो अपने वोट की अहमियत को कैसे देखते हैं, इसको जानने समझने के लिए किया गया। तो तकरीबन हम यहाँ पे काफी समय गुजारे थे, फिर से वापस मध्य प्रदेश में आया, आज पोलिंग भी है वहां पे। अब जो बड़ी बड़ी डायरेक्ट आपके सवालों पे आए, तो दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल है, एक एंटी इनकम्बेंसी की बात किया आपने, और दूसरा कि बीजेपी ने जो एक तरीके से बड़े बड़े लीडर्स को उतारा है मैदान में, कुछ केंद्रीय मंत्री को उतारा, कुछ अपनी पार्टी के बड़े लोगों को उतारा है। अब ये दोनों में एक रिलेशन भी है और दोनों अलग अलग चीजें भी है। रिलेशन ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आपने कहा, 2003 से यहाँ पे उस 15 महीने की के टेन्योर को छोड़ दिया जाए जिसमें कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, वो छोड़ के यहाँ पे काबिज रही है मध्य प्रदेश। सिर्फ इस तरीके से हम नहीं देख सकते हैं कि बीजेपी यहाँ 2003 से काबिज है 15 महीने घटा के,
मध्य प्रदेश इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण जरूरी राज्य है भारतीय राजनीति और खासकर चुनावी राजनीति को समझने के लिए, कि यहाँ से बीजेपी की जो पूर्ववर्ती संस्था थी यानी कि जनसंघ, भारतीय जनसंघ, वो उन्होंने ही अपने पैर बड़े मजबूती से फैला रखे थे। और जब बीजेपी बनी 1977 में, चूंकि सारे पार्टी मर्ज होके जनता पार्टी के रूप में चुनाव लड़े थे, और उसके बाद जब 1980 में बीजेपी बनी, तब से ही एक मजबूत दावेदार वो रही। तकरीबन 1/3 जो शेयर है, 30% से ऊपर की वोट शेयर उनको मिलते रही 1990 के दशक से, वो आंकड़ा और बढ़ा और वो लगातार एक मजबूत कड़ी पे रही। अब सवाल यह है कि एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन क्या यही पे है? एंटी इनकम्बेंसी एक जनरल भाषा में हम कहें तो दो तीन चीजें उसको समझने की जरूरत होती है। ऐसा कोई भी चुनाव नहीं है, कोई पार्टी अगर रिटेन भी करती है तो वहां भी कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन वो एमएलए के प्रति होती है या उसका दायरा कम होता है, और इसीलिए वो पार्टी, चूंकि हम लोग इलेक्टोरल मेजोरिटी वाले हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, तो उसमें एक भी वोट अगर हमारे ज्यादा मिलती है तो हमें विजेता हम बनते हैं। तो जो चीज है, 2018 के चुनाव में भी एंटी इनकम्बेंसी थी और उसका परिणाम हमें दिखने को मिला कि जो पार्टी जिसके करीब 150 सीटें थी वो घट के 105 पे आ गई थी, और जो कांग्रेस जिनके 60 के आसपास सीटें थी वो बढ़ के 114 पे चली गई थी, और मेजोरिटी के पांच नंबर से पांच सिर्फ सीट दो का सीटें पांच पर। सीट का बहुमत, और उसके बाद आप जानते हैं बिल्कुल क्या बिल्कुल कहानी। बिल्कुल कहानी भी। तो एंटी इनकम्बेंसी उस समय भी थी, अभी जो उसका दायरा है वो थोड़ा बढ़ा है। वो बढ़ा इसलिए कि मैं 5 साल पहले भी यहाँ आया था, उस समय किसानों, दो मुद्दे महत्वपूर्ण थे जो कि बीजेपी की जो सरकार है उसके अगेंस्ट में जा रही थी, शिवराज सिंह की सरकार के अगेंस्ट में। एक, किसान नाराज थे, रूरल डिस्ट्रेस का मामला था, और दूसरा उस समय कुछ कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, एग्जैक्ट डेट मैं भूल रहा हूँ, एससी एसटी एक्ट के अगेंस्ट में। तो शिवराज सिंह जी ने जबरदस्त बैटिंग किया एससी के समर्थ में, और उनका डायलॉग था कि कोई माई का लाल इस एक्ट को मेरे रहते हुए खराब नहीं कर सकता है। तो जिससे जो उनका स्ट्रांग वोट बेस था अपर कास्ट का, वो थोड़ा सा उनका बढ़ा, वो नाराजगी हुई, और वो सबका जो परिणाम था, और खासकर इससे ज्यादा बड़ी बात थी, वो थी फार्मर डिस्ट्रेस की। किसान लोग काफी परेशान थे, इसमें हम और डिटेल में बात करेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि किसान जो है वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उसका वो अक्रॉस द कास्ट रिलीजन का मामला है, और इनपुट कॉस्ट और आउटपुट कॉस्ट के बारे में एक डिटेल हम और आगे बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस बार जो है वो किसानों का जो चीज है वो है, उसमें दो चीजें और ऐड हो गई है। ए, महंगाई, इन्फ्लेशन जो है जिसकी बात लोग कर रहे हैं दिनों दिन की, दाम बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ के लोगों की भाषा में बात करें तो सरकार ने दाम बढ़ा दिए बहुत सामान के, तो हमारे लिए एफर्ड होते हैं, उस रेंज में इनकम नहीं हो रहे हैं। अगर इनकम होते रहता है, दाम बढ़ता है, तो लोग सामंजस्य बैठा लेते हैं, और खासकर गरीब तबका, क्योंकि हमारे पास क्लास का एक बड़ा सेक्शन है। और अगर हम प्रधानमंत्री जी की बातों पर ही भरोसा करें तो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही घोषणा किया कि जो 80 करोड़ गरीब लोग हैं उनका राशन बंद नहीं होगा, यानी उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज की खबर है कि हमारी जो लोग हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। मैं आपको रोक रहा ठीक हूं। है, तो हाँ, खत्म कर दीजिए। आप जो कह रहे थे खत्म कर दीजिए। एक सवाल है मैं, आपने जो जो अभी अभी कहा, हाँ, तो वो जो है सो किसान है, गरीबी है और बेरोजगारी युवाओं में, ठीक है, ये जो बेरोजगारी है, ये तीनों मुद्दा जो है वो एकदम से मिलके एक डिस्ट्रेस पैदा कर रही है, नाराजगी पैदा कर रही है। और इसमें एक चीज जो आया ऐड हो रही है वो शिवराज सिंह जी के लंबा टेन्योर, उसमें लोगों को लगता है कि एक उबाव आ गया है, लोगों को लगता है कि कुछ बदलना चाहिए। और ये जो अच्छा आपने दूसरा सवाल किया, इसलिए मैंने बोला कि जुड़ा हुआ है, इसलिए भी बीजेपी ने क्या किया, कई सारे चेहरे फेंक दिए कि आप देखिए ये जो बड़े बड़े चेहरे हैं ये भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की कोशिश किया, ठीक है। अब वो कितना सफल होगा कितना असफल होगा ये हमें हम तीन 3 तारीख को देखेंगे। तारीख दिसंबर महीना का 3 तारीख हमें पता चलेगा। आपने बहुत सारे मुद्दों पर बात किया, महंगाई, बेरोजगारी। आपने एक बात नहीं किया, लावारिस पशु, और जी बिल्कुल, ग्रामीण इलाकों में जो संकट चल रहा है। दो और विषय के ऊपर मैं आपको बात आपसे करना चाहता हूं, भ्रष्टाचार। मगर उससे पहले महिला,
आपका पेपर पढ़ के हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने किया कि पुरुष और महिला मध्य प्रदेश में इन लोग की जो जो मतदान कर रहे हैं इसके बीच एक गैप था, एक एक व्यवधान था। ये 15% थे 1990, उसका 23 साल के बाद ये जो गैप था 2% से कम हो। अक्टूबर से लगभग 1,30,00,000 गरीब महिलाओं 21 से 60 साल जो हैं को बैंक के खाता में 1,220 रुपया मिला, ये लाडली बहना योजना। इससे पहले ये 1,000 रुपया था, अभी 1,250 हो गया। ये कार्यक्रम अभी मार्च में इन्होंने घोषणा किया, और 7 नवंबर चुनाव होने का जस्ट 10 दिन पहले भी लोगों को मिला, महिलाओं के जो बैंक का खाता में पैसा आ गया। अब कांग्रेस बोल रहे हम भी ऐसे करेंगे नारी सम्मान योजना, और हम 1,500 रुपया देंगे हर महीना, उसके साथ हम रसोई गैस का सिलेंडर भी 500 रुपया देंगे। तो एक तरह से एक प्रतिद्वंदिता हो गया, कंपटीशन हो गया, कौन ज्यादा महिलाओं को वोट आकर्षण कर सकते हैं, हाउ मच दे कैन इन्फ्लुएंस द वुमेन्स वोट, एक कॉम्पिटिटिव कैपिटलिज्म। और साथ साथ आप देखिए महिलाओं लोग की जो आरक्षण, वो सरकारी नौकरी में 30 से 35% बढ़ा दिया शिवराज सिंह का सरकार। और साथ साथ देखिए एक तरह से अगर मध्य प्रदेश का राजस्व अगर देखिए कर्ज में डूबे हुए हैं, फिर भी सूचना आया है कि सारे सरकारी डिपार्टमेंट को बोला कि बाकी सारे खर्चा बाद में होगा, आप यही लाडली बहना योजना में पैसा दे दो। इसमें कुछ लोग दुखी हो गया, आंगनवाड़ी को भी पैसा नहीं मिला। तो ये लोगों को लुभावन करने के लिए चुनाव के पहले हम कार्यक्रम घोषणा करेंगे, और मगर किस तरह से ये कार्यक्रम लागू होगा ये विषय के ऊपर आप कुछ कहिए। धन्यवाद सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल इसलिए भी है, इसका थ्योरेटिकल पहलू देखिए, 80 और 90 के दशक में जो एक डिसएडवांटेज कम्युनिटी का जो उभार हुआ, जिसे प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज के रूप में कोट करते हैं, उसमें ये हुआ दलित ओबीसी महिलाओं का पार्टिसिपेशन इलेक्टोरल में बहुत बड़ा। अब उसका दूसरा पहलू देखिए कि जो 80 और 90, शुरुआत 90 के दशक में जो रीजनल पार्टी का इमर्जेंस हुआ, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के नाम पर, ये ओबीसी या जिसको बहुजन की राजनीति कहते हैं, ओबीसी एससी एसटी को लेके हुआ। इन सबों में से आइडेंटिटी के नाम पे सबको कुछ ना कुछ मिला, भले पॉलिटिकली ही मिला, सोशली ही बेनिफिट मिला, इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिला। इन सब कम्युनिटी में जो एक डिसएडवांटेज कम्युनिटी बड़ी, जो सबसे बड़ी थी और जो अभी भी वंचित थी, वो थी महिलाएं। महिला अपने आप में एक डिसएडवांटेज कम्युनिटी है। हम अपने आप को कुछ भी कहते हैं, विश्व गुरु कहे या कुछ भी कहे, हमारा समाज अभी भी महिलाओं को दूसरे दोयम दर्जे से ही ट्रीट करते हैं। आप हमारे किताबों में या गाथाओं में चाहे कुछ भी कहे, तो वो जो है, मुझे जो लगता है आज जो दौर है आज की राजनीति का, पिछले कुछ समय का और अभी आने वाले कुछ समय में, वो महिलाओं का दौर होगा जहां इलेक्टोरल प्रेफरेंसेस महिलाएं डिसाइड करेगी। लेकिन इसमें अब सवाल है कि क्या महिला एक एक ओन कम्युनिटी बन के वोट करेगी? उसमें बहुत सारे किंतु परंतु है। महिला जो कम्युनिटी है वो 45 से 50% है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका कास्ट का, कम्युनिटी का और पैट्रोनेज सिस्टम, जो पैट्रियार्की है हमारे पास, समाज का पति ससुर या घर का जो मालिक है, तंत्र, पुरुष वो तंत्र, पुरुष पुरुष प्रधान, जो जो पुरुष का जो डोमिनेशन है वो असर करती है। लेकिन हाल के दिनों में देखा गया, इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण जोड़ना चाहूंगा कि महिलाओं को अट्रैक्ट करने का एक दूसरा कारण है, और ये अपने आप में एक बहुत ही आने वाले समय का कई रिसर्च का विषय होगा, जो मुझे लगता है कि बाकी कम्युनिटी, डिसएडवांटेज कम्युनिटी और महिलाओं कम्युनिटी में ये होती है कि ये आइडियोलॉजिकली जो है सबसे लेस है, इसे ये ट्रांजिशनल बेनिफिट को ज्यादा महत्व देती है रादर देन आइडेंटिटी को, चाहे वो कास्ट की आइडेंटिटी हो चाहे वो रिलीजन की आइडेंटिटी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनमें कास्ट की आइडेंटिटी नहीं या नहीं इस रिलीजन की विषय के आइडेंटिटी ऊपर नहीं और है। भी मेरा सवाल है, जात और धर्म, इस बिल्कुल विषय के ऊपर भी हमें
दो चार बात सवाल है बिल्कुल है, लेकिन कई सारे राज्य हैं और वो राज्य दर राज्य वैरी करता है। जहां पे फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने किया, या और कर्नाटका में भी किरे, सारी पार्टियां महिलाओं को अटैक करने की कोशिश कर रही है। उसके दो बड़े सीधी कारण हैं। एक, इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि अगर उसका 5 से 10% भी उनके फेवर में स्विंग हो गया, तो मान के चलिए अगर कंजर्वेटिव हम आइडिया ले 45% इलेक्टोरेट, विमेन इलेक्टोरेट है, और उसका कोई पार्टी 5 से 10% भी अपने फेवर में स्विंग करा लिया, तो वो 2 से 5%, 2 से 4% के आसपास होगा, और वो बहुत बड़ी मार्जिन होती है। तो ये जो है, और दूसरा जो ट्रांजेक्शनल बेनिफिट्स को महिलाएं महत्व देती है कि हमें क्या मिल रहा है, क्योंकि परिवार जो है वो दरअसल आर्थिक रूप से परिवार घर वही चलाती है हमारे, अगर देसी भाषा में कहे तो उनको लगता है कि खर्चा किधर से आ रहा है, खर्चा किधर जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आंकती है रादर देन आइडियोलॉजिकल उसपे। अब जो है वो परिणाम दिया है, कर्नाटका में हमने परिणाम दिया है, महिलाओं ने परिणाम फेवर में दिया है उस पार्टी को, जिस पार्टी ने ज्यादा योजनाएं उनके नाम किया, चाहे वेस्ट बंगाल में, चाहे आप दिल्ली में ले लीजिए, या बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में भी कई सारे ऐसे हुए हैं। महिलाओं का जो 2019 का इलेक्टोरल आउटकम था उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, तो और बीजेपी के फेवर में काम किया। कई सारे सीएसडीएस के डेटा आंकड़े वगैरह बताते हैं ये चीजें। यहाँ पे दोनों पार्टियां वही कर रही हैं, और इस मामले में यूनिक है कि पहली बार वेमेन को डायरेक्ट जो कैश ट्रांसफर की जो बात करते हैं, क्योंकि ये योजना आने के बाद काफी पॉलिटिकल इलेक्टोरल प्रेफरेंसेस चेंज हुए हैं। अब आपको पेट्रोनेस सिस्टम के तहत घर के कार्यकर्ताओं के थ्रू लोकल लोगों को नहीं ढूंढना पड़ता, आप सरकार के पास अकाउंट डिटेल्स है, उसी में उनको सब्सिडी का पैसा या डायरेक्ट पैसा तुरंत ब तुरंत मिल जाता है, और आपको कुछ मिनट में SMS आ जाते हैं। तो ये जो कम्युनिटी है ट्रांजेक्शनल बेनिफिट्स पे बिलीव करती है, इनका मैं कहूँ कि ज्यादा उनका भरोसा है, और उस अनुसार कोई पार्टी उनके लिए क्या ऑफर कर रही है और नहीं कर रही है उसको जज करती है। लेकिन सवाल यहाँ है कि क्या सिर्फ पैसा देने से और कुछ पैसा देने से पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक किसी एक पार्टी के फेवर में हो जाएगी, जो आप बीच में रोक रहे थे वो उसी सवाल में ये पेच फंसा हुआ है कि क्या उस पे कास्ट क्लास और रिलीजन का जो है चलिए वो असर पड़ता चलिए है कि नहीं पड़ता है। बहुत, अब हमें बहुत सारे सवाल है, तो आप अभी, मैं छोटा सा सवाल करूंगा, आप छोटा सा जवाब दीजिए। धर्म, धर्म की बात कीजिए, इसमें भी कंपटीशन चल रहा है एक दूसरे के साथ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी कह रहे राम मंदिर, अपना कमलनाथ के बारे में हम सुन रहे हैं, वो नरम हिंदुत्व, तो ऐसे लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस का फायदा नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा। एक है कट्टर हिंदुत्व और एक है नरम हिंदुत्व, आपका क्या राय है इस विषय की? ये जो कट्टर हिंदुत्व नरम हिंदुत्व की बात है वो सही है, सब लोग कहते हैं उसमें। ऑफ कोर्स जब हिंदुत्व की बात होगी तो जो सबसे ज्यादा वो कहते हैं कि जब ओरिजिनल है तो फोटोकॉपी की क्यों बात करें, लेकिन सवाल ये है कि क्या सारे हिंदुत्व एक ही पार्टी को वोट कर रहे हैं? सारे हिंदू, हिंदू तो हमारे देश में 80% के आसपास है, फिर भी एक पार्टी को 80% किसी पार्टी को नहीं मिलती है। हर राज्य में यहाँ भी आप देखेंगे तो 92 या 93% हिंदू कम्युनिटी है। मध्य प्रदेश में 91% है, 7% मुस्लिम है, और फिर कुछ जैन और सिख है, तो 90% 90, लेकिन 90% तो किसी भी एक पार्टी को यहाँ वोट नहीं मिला। हिंदू तो है, ये एक चीज है। एक हम पॉलिटिकल साइंस में और रिसर्च मेथड में ये पढ़ते हैं नेसेसरी एंड सफिशियंट, तो कुछ चीजें नेसेसरी हो सकती है लेकिन सफिशियंट नहीं हो सकती है। तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में जहाँ 90 और 2000 के शुरुआती दशक में 30-35% पे वोट लाके कोई पार्टी की मेजोरिटी की सरकार बनती है बन जाती थी, वो आज के दौर पे नहीं है। वो 30-35% नेसेसरी है बट सफिशियंट नहीं है। ठीक ठीक उसी तरीके से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स नेसेसरी हो सकती है लेकिन सफिशियंट नहीं है आपके इलेक्टोरल विक्ट्री करने में। हो है, सकता है चलिए वो एक आध इलेक्शन हो सकता है लेकिन चलिए हर इलेक्शन चलिए में वो नहीं जिताएगा, क्योंकि एट द एंड लोगों की अपनी जो जरूरतें हैं, क्योंकि बस एक लाइन इसमें जोड़ूंगा, क्योंकि स्टेट और नागरिक का जो रिलेशन है, जो वोट उस बीच में डिसाइड करता है, वो इमेंसिपेशन और एम्पावरमेंट का जरिया है। लोग उस स्टेट से उम्मीद करते हैं सशक्तिकरण कि लॉ एंड महिला ऑर्डर, और सशक्तिकरण, बिल्कुल सशक्तिकरण जरूरी है, ठीक है और वो आशीष सिर्फ धर्म के जी। नाम पे नहीं हो सकता है, जाति के नाम पे नहीं हो सकता है बहुत दिनों तक। नहीं, आपने ठीक कहा, बहुत सारे मुद्दा होता है हमारे जैसे चुनावी लोकतंत्र में। एक और मुद्दे में आ जाता है भ्रष्टाचार। आज नहीं, ये व्यापम घोटाला कोई असर नहीं पड़ा शिवराज सिंह चौहान के ऊपर,
ऐसा घोटाला लोग कहते हैं भारतवर्ष के इतिहास में कभी नहीं हुआ। कितने एफआईआर लॉन्च किया गया, कितने लोग आश्चर्य तरीके से था उनका मृत्यु हुई है, जिस तरह से डॉक्टर के अपॉइंटमेंट, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ा। शिवराज सिंह चौहान वापस आ गए, मैं कब की बात कर रहा हूँ, 2018 का बात कर रहा हूँ। फिर आ जाइए आप, फिर आगे बढ़िए आप, सॉरी मैं 2018 के बाद, हाँ ठीक, मगर वो वापस आ गया 18 में, हाँ ठीक है, कांग्रेस थोड़ा आगे बढ़ा, मगर फिर शिवराज सिंह चौहान का असर इतना नहीं पड़ा, लोग कहते हैं। इसके बाद एक के बाद एक और घोटाला हो रहा है, पटवारी को जिस तरह से आपने रिक्रूटमेंट किया, आप जो आपका पोषण आहार का जो कार्यक्रम है, राज्य सरकार का एजी अटॉर्नी जनरल ने खुद कहा इसमें कितने कितने कमियां है, कितने कितने भ्रष्टाचार है, और अभी एक नया घोटाला शुरू, नरेंद्र तोमर जी का बेटा, और उसका पैसा कहां से आया, एक कनाडा का एक भाई साहब ने बहुत कुछ आरोप लगाया, वायरल हो गया पूरा सोशल मीडिया, गांजा का खेती करते हैं वहां पे, पता नहीं कितना करोड़ों रुपया का धंधा चलता। तो ये मुद्दा है भ्रष्टाचार, इसके हमारे मध्य प्रदेश के जो मतदाता है इस बार क्या असर पड़ेगा, आपका क्या कहना है? देखिए, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, एक राज्य का विषय नहीं है, ये एक ऐसा चीज है, इसमें ये होता है कि कोई सरकार कम या कोई सरकार ज्यादा किसी के समय। आप एक चीज मैं यहाँ नोट करना चाहूंगा, जो 2018 की बात आपने कहा कि भ्रष्टाचार था, व्यापम घोटाला का इतना जिक्र हो रहा था, ग्राउंड पे भी लोग बात कर रहे थे, बावजूद बीजेपी का उतना नहीं हिला, फिर भी वो 109 सीटें ले आई, लेकिन सीटों के आंकड़ों में बहुत सारे तथ्य जो है छुप जाते। उससे पहले 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 55% वोट मिले थे, और 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41% वोट मिले थे, ठीक 2013 के विधानसभा में भी 45% से ऊपर वोट मिले थे, यानी कि में वोट बीजेपी 58 बिल्कुल, तो 19 का कभी इतिहास में किसी को नहीं मिला मध्य प्रदेश के बिल्कुल, वो तो मैं 19 का, हाँ 19 का जानबूझ के अभी जिक्र नहीं किया, क्योंकि अब वो उसका तुलना 2023 से होगा, क्योंकि उसके बाद का चीज हो रही है। तो सवाल ये है कि वोट जो गिरा बीजेपी का 55% से घट के 41 आया, या 45 से 41 आया, वो क्यों घटा? ये चीज हमें ध्यान, हमेशा हम एक चीज देखते हैं इलेक्टोरल राजनीति में कि जीत गया वो पार्टी, लेकिन उसका आधार घटा बढ़ा, क्यों घटा क्यों बढ़ा, ये देखना बहुत जरूरी है। इसमें हम कह देते हैं कि मुद्दे नहीं थे भ्रष्ट, अगर मुद्दे नहीं थे कोई चीज जो सरकार के अगेंस्ट में नहीं थी चीजें, तो वो वोट क्यों गिर गया? समर्थन बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा समर्थन, ठीक है, सीट कन्वर्जन एक अलग खेल है, वो स्टेटिशियंस वगैरह करते हैं और जो आता है कई सारी चीजें, लेकिन वोट तो गम रहे, यानी लोग नाराज तो हुए, और उनके पास कोई ना कोई मुद्दा था, चाहे वो रूरल डिस्ट्रिक्ट का मुद्दा था, चाहे वो करप्शन का मुद्दा था, या कोई अन्य मुद्दा था। दूसरी बात, आप इस इलेक्शन की बात कीजिए, 2019 में 58% वोट था, मेरी जो अपनी समझ है अभी मध्य प्रदेश घूमने से और दूसरे राज्यों के आंकड़े और उस तरीके से कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद, मुझे लग रहा है 18 से 19% या हो सकता है कि 17 से 19% के बीच में बीजेपी का वोट 2019 की तुलना में गिरेगा, यानी बीजेपी का वोट गिर के 40 के आसपास हो जाएगी, मतलब वो 41 हो सकता है, 39 हो सकता है, ठीक है, तो ये जो गिर रहा है कहीं ना नाराजगी है। अगर 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 लोकसभा चुनाव में इतना गिर जाता है 58 से आप जैसे कह रहे हैं, तब तो आपको, आप जानते हैं सारे तो सफाई हो गए थे पिछले बार 2019 में, अकेला वो कमलनाथ का बेटा वो नकुल नाथ बहुत छिंदवाड़ा से जीता, और बाकी तो एकदम क्लीन स्वीप हो गए थे, ठीक ठीक कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं। अच्छा एक सवाल आदिवासी, लेकिन करप्शन वाले मुद्दे पे एक चीज जोड़ूंगा मैं, एक लाइन जोड़ना जरूरी है, ये अहम मुद्दा है। सो बीजेपी की जो मजबूती थी, मध्य प्रदेश की बात ही हम करें ज्यादा, वो ये थी मजबूती, वो कार्यकर्ता उसके मजबूती थे, और जो बीजेपी का जो हमने रिपोर्ट में भी लिखा और वो चीजें जो होगा कि बीजेपी या जो हमने फील्ड में देखा है,
बीजेपी जो मजबूत दो तीन चीजों पे हुई, ओबीसी उनके फेवर में आए। दूसरा जो चीज लोगों ने कहा कि कांग्रेस के टाइम में क्या होता था, नेता सर्वसरी होता था, तो अगर मेरे साथ कोई तकलीफ है या मुझे कुछ चाहिए तो मुझे नेता के पास जाना होता था, एमएलए बड़ा नेता, और वो एक्सेसिबिलिटी उनके पास कम होती। ऑफकोर्स जो एमपी एमएलए होते हैं उनके पास तुरंत पहुंचना मुश्किल होता है डायरेक्ट, क्योंकि उनके पास ढेर लोग होते हैं या जो भी है। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, कार्यकर्ताओं को इम्पावर किया, ये उसकी पूंजी है और इसकी पॉलिटिक्स को हमें समझना बहुत जरूरी है। कार्यकर्ता लोगों ने कहा कि जो लोकल कार्यकर्ता थे, तो हमारे जो सुख दुख या कोई चीज होता था तो हम उनके पास जाते थे, वो इतना एम्पावर थे कि थाना में या कहीं पे फोन करके हमारी मदद करते थे। तो ये जो भरोसा जीता बीजेपी ने, और इसका क्रेडिट उनको जाना चाहिए, तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल डोमेन में चेंज किया था। अब इस समय की बात है, तो जब लंबे समय आप पावर में हो जाते हैं तो कार्यकर्ताओं में भी और उसमें भी एरोगेंस और जो करप्शन जिसको आप बोलते हैं वो आ जाती है। इस इलेक्शन में हमें कुछ उदाहरण ऐसे भी मिले जहां पे लोगों ने कहा कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़ा घमंडी हो गए या भ्रष्टाचार में हम मतलब उतनी मदद नहीं कर रहे या ज्यादा पैसे खर्च करते। तो ये जो चीज है ये तो है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा बीजेपी को हार्म करेगा, क्योंकि जब अच्छा, कार्यकर्ता के साथ ज्यादा कनेक्टिविटी होती है वोटर के पास। एक सवाल, आदिवासी या अनुसूचित जनजाति, मध्य प्रदेश का जो पूरा जनसंख्या है इसका 21% के आसपास, आप जैसे आपका पेपर में भी आपने विश्लेषण किया, 7 इलाका है, बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल, मध्य भारत, महाकौशल, मालवा उत्तर और मालवा निमर, जहां पे आदिवासी लोग कम, 53% आदिवासी है मालवा निमाड़ इलाके में, विंध्याचल भी है और महाकौशल में भी 29% है। तो हम सब मानते हैं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की जो वनवासी कल्याण आश्रम आदिवासी इलाका में काम किया, जिस इलाका एक समय हम कहते हैं कांग्रेस का घर है, यहां पे भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ पाया। आपने बहुत घूम फिर के देखा, इस बार क्या लग रहा है, आदिवासी और अनुसूचित जनजातियों के, इनके बीच में आप क्या देख रहे हैं, चुनावी क्या माहौल? लोग कहते हैं इनको लुभावन करना आसान है, इनको शराब पिला दीजिए इनको और आपके बाद विश्वास करेंगे, पैसा खिला दीजिए बस काम खत्म हो जाएगा, लोग ऐसे कहते हैं, आपका राय? इस सवाल का जवाब पहले उस स्टेटमेंट से देना चाहूंगा जो आज बहुत सारे गांव में हमें आदिवासी मिले हैं, और उनका पहला स्टेटमेंट होता था बीजेपी ने दाम बढ़ा दिया। दाम यानी कि जो महंगाई है वो बढ़ा दिया बीजेपी सरकार ने, तो ये लोगों में जहन में है लोगों। दूसरी चीजें जो जो ज्यादा अहम था बातों को लेके, आदिवासी को लेके, ये सही बात है, वनवासी कल्याण परिषद का जो है या आश्रम जो है वो काफी लंबे समय से काफी गहन मतलब कि अपना उन्होंने काम किया, आधार बनाया आदिवासियों में, और जिसका बेनिफिट्स बीजेपी को मिला और मिलता है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों से, आप एक बात आप जिक्र कर रहे थे पहले कांग्रेस का डर था, हमको ये भी समझना चाहिए क्यों कांग्रेस का डर। इंदिरा जी के टाइम में लैंड रिफॉर्म का दौर जब वो चीजें हुआ था, बहुत सारे पट्टे मतलब कि आदिवासियों को हक मिला जमीनों का, फिर उसके बाद पैसा एक्ट वगैरह ये सब भी आया, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं जल जंगल जमीन जिसकी जिक्र होती है वो पार्टी कांग्रेस पार्टी करती थी, उनको हक दिलाती। जब बीच में वनवासी कल्याण आश्रम का और बीजेपी का इंटरवेंशन होता है, कई सारे स्कीम गरीब प्रो प्रो पुअर स्कीम जो बीजेपी की रूल स्टेट्स में भी और बीजेपी की सरकार ने भी चाहे, तो उससे आदिवासियों में एक झुकाव आता है बीजेपी की तरफ। इस बार जो इन्फ्लेशन का मामला है, ठीक है, कुछ कुछ जो अभी भी आप देखेंगे इस चुनाव में भी आदिवासियों को पट्टे का हक दिलाने की बात लीडर करते हैं, तो यानी कहीं ना कहीं एक डिमेरिट है। फिर लोगों को लग रहा है कि कहीं ना इतना समय होने के बावजूद भी मुझे अपनी जो जल जंगल जमीन जिसका वो एक नेचुरल हकदार बनते थे या वो अपने आप को नेचुरल हकदार समझते हैं, वहां पे प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, आप बार बार वो एक कैश ट्रांसफर की भी बात होती है, हमारी कुछ इटारसी की तरफ कुछ बात हुई थी विमेन महिलाओं से,
हमने कहा कि वो खुश थी कि सरकार हमको महिलाएं खासकर कि 1250 रुपये इस महीने, पहले 1000 रुपये से शुरुआत था, पैसे आ रहे हैं। तो हमने कहा कि क्या इस वजह से आप जो आपका सपोर्ट है बीजेपी की तरफ ही रहेगा या जाएगा। उन्होंने कहा कि क्या ये पैसा तो है लेकिन क्या यही अंतिम है, हमारे यहाँ पानी नहीं है। उन्होंने लोकल बताया कि उसका जो एक वो आंदोलन कर रहे थे, थाने पे जा रहे थे पूरा ग्रुप कम्युनिटी बना के, अगर आप उस रिपोर्ट में एक फोटो भी देखेंगे, वो वर्दी पहन के जा रहे थे, उन लोगों का अपना हिंद फौज का वर्दी है। तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारा यहाँ का लोकल वो है कोई याद एक कम्युनिटी का, ओबीसी कम्युनिटी का ही है, उसने हमारे जमीन कब्जा कर रखा है और हम बार बार जा रहे थाना पे, अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं। तो जो चीज है इसमें एक चीज और जोड़ूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो उभर के नहीं आता है लेकिन हर इलेक्शन में या लोगों की समस्याओं को सुनते। सो पिछले 5-7 साल में ये हुआ है कि कई तरीके के कागजात बनाने पड़े हैं लोगों को, कभी आधार कार्ड, कभी ये कार्ड, कभी वो कार्ड। तो ये जो आदिवासी है ये थोड़ा कम पढ़ा लिखा तबका है, गांव में रहता है, ठीक है, तो उसको बार बार ब्लॉक या दूसरे जगह, वो टेक्निकली पुअर है, बार बार उसको वहां जाना पड़ता है, कई बार नाम में आपके मान लिया आशीष, मेरा नाम है ASH या ASI लिख दिया तो फिर उसको करप्शन के लिए जाना पड़ रहा है, उसमें उसको 50, 100, 200 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो क्या है उसका खर्चा जो है ना, आमदनी कांस्टेंट है, खर्चा थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, और प्लस आदिवासी इंटरवेंशन नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि भाई हमारा काम जो है जल जंगल जमीन है उसमें सुचारू रूप से, कोई भी चाहता है लेकिन वो जो दूर दराज में रहते हैं उनको दूर का आता है, तो वो एक अलग से टेंशन पैदा करता है, वो एक अलग से नेगेटिविटी पैदा करती है, और ये सब जो कल्मिनेशन है सब मिलके कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो 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 लोगों ने बोला वहां पे वो ये है कि बीजेपी की तरफ से थोड़ा सा नाराजगी जो जितनी थी वो थोड़ा बढ़ी है और इसमें कांग्रेस को फायदा मिलेगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है और संक्षिप्त में आप जवाब दीजिए क्योंकि वक्त कम है हमारे पास। क्या होने वाले हैं? आप पहले भी लिखा, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है सिर्फ दो ही राजनीतिक दल, बाकी जो स्थानीय राजनीतिक दल है अत्यंत कमजोर है, समझ लीजिए है ही नहीं। आप हमारे देश में 2% वोट इधर चले जाएगा, उधर और कहीं चले जाता है, पूरा चुनाव का नतीजा कौन सरकार बनाएंगे इसमें फर्क पड़ता है। आपने लिखा है हमारे देश में जो चुनावी लोकतंत्र में जो फर्स्ट पास द पोस्ट, ये जो सिस्टम है हमारे, ऐसा हो सकता है कि आपका वोट ज्यादा मिल गया, आपका वोट शेयर ज्यादा मिल गया, मगर आपको सीट कम। और मध्य प्रदेश में एक उदाहरण है, 2003 साल में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिला, फिर भी 109 सीट मिला भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को 114 मिला। तो आपने आपका पेपर में लिखा है एक तरह से हाँ कॉन्टेस्ट क्लोज है, कांटे का टक्कर बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र में हो सकता है, मगर अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत मिलने चाहते हैं तो उसको 2% वोट ज्यादा चाहिए, मगर कांग्रेस को अगर 1% ज्यादा मिल जाता है यानी कि 41 से 42, तो कांग्रेस आसान से 130 के आसपास विधानसभा सीट जीत जाएगा और 234 विधानसभा सीट है, कांग्रेस जी सरकार बनाएंगे। यही आपका विश्लेषण कहा। तो आप सारे मुद्दों के बारे में आपका जो आखिरी आप जो कहने चाहते हैं, क्या होने वाले हैं चुनाव के नतीजा, हम जानते हैं 3 तारीख को हमें इंतजार करना पड़ेगा, इस समय आप क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं? थैंक यू। तो मैं अमूमन बचता हूँ वोटिंग से पहले कुछ भी बोलने का, तो आज तो वोटिंग हो रही है तो अब बोलने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि इससे कोई बात एक तो चीज क्लैरिफिकेशन कि वो जो वोट शेयर की बात हो रही है 130 सीट या भाजपा को दो, वो स्विंग वोट की बात हो रही है कि बीजेपी को 2% और चाहिए तभी वो मेजोरिटी जो 116 का आंकड़ा है वो पार करेगी, और कांग्रेस का 1% स्विंग मिल जाता है, यानी कि 1% बीजेपी का कम हो जाता है, कांग्रेस का 1% ज्यादा हो जाता है, तो आराम से 130 के आसपास। मेरी डायरेक्ट आपका जवाब देखे, ओवरऑल लबो लुआ जो मुझे लग रहा है आज के दौर में, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस जो है पिछले चुनाव की तुलना में 2-3% वोट गेन करेगी और बीजेपी कमोबेश 40-41 के दायरे में, मतलब बहुत उनका डिक्लाइन नहीं होगा क्योंकि तो एक आधारभूत मजबूत वोट बेस है यहाँ पे, लेकिन ये जो 2-3% का, सो मैंने कहा क्लोज इलेक्शन इन टर्म्स ऑफ वोट से है,
मान लिया जाए अगर 40 और 43 रहती है या 41 44 रहती है तो क्लोज ही है, 3% 2% का फोर है, 10% का गैप नहीं है जो कि पहले हुआ करता था। कांग्रेस बीजेपी 2013 का उठा लीजिए या 2019 या 2014 का इलेक्शन उठा लीजिए, तो इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर ये क्लोज होगा, मतलब 3-4%, 5% से ज्यादा का फासला नहीं होगा इन दोनों पार्टियों में वोटों का, लेकिन सीटों में जबरदस्त फासला होगा। और अगर मैं अपने गट फीलिंग की बात करूं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को पिछले चुनाव की तुलना में 2-3% वोट बढ़ेंगे, बीजेपी को 1-2% गिर सकते हैं, और ये जो सीट जो कन्वर्जन होगा इसमें कांग्रेस को आराम से 140 प्लस सीटें आउट ऑफ 230, धन्यवाद 230 विधानसभा धन्यवाद चुनाव में आशीष जी, आराम से मिल सकती। आपका भविष्यवाणी सुन के कांग्रेस वालों अत्यंत खुश हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी नाखुश होंगे, मगर हमें 3 तारीख दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। अत्यंत धन्यवाद न्यूज क्लिक के सारे दर्शक, आपके विश्लेषण सुना और आपका समय, आपका कीमती समय आप न्यूज क्लिक का दर्शक को दिया, इसीलिए मैं एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके पास हम वापस आपको भी आएंगे, धन्यवाद आपके सबका। पास हम वापस आने वाले हैं। इस बार हम राजस्थान में क्या होने वाले हैं इस विषय के ऊपर आपसे बात करेंगे। तब तक आप सब देखते रहिए न्यूज क्लिक, आप सब्सक्राइब कीजिए, वो बटन दबाइए और हम वापस आएंगे आशीष रंजन जी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।